गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में जो रिमाइंडर क्वेश्चंस बचा हुआ था, एक्सरसाइज 5C में कल के ऑनलाइन क्लासेस में 1 to 10 अपडेट किया। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अपडेट कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पर डे ऑनलाइन क्लासेस निश्चित रूप से विजिट करते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11th है। एक 1/3, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स होल पावर 2, उसके बाद मध्यम मिडिल ब्रैकेट्स पर होल पावर 4। तो आपको पता है कि a पर पावर m पर पावर n बराबर होता है a पर पावर mn। इस दोनों पावर का हम प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार 1/3 इस दोनों पावर का कर दीजिए प्रोडक्ट 4 × 8। देखिए कितना इजी प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, -3/2 पर पावर -1। इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, क्योंकि पावर नोटेशन माइनस में है, तो ये हो जाएगा 2/-3। तो डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो यह ध्यान में रखते हैं कि इसका जो डोमिनेटर्स है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। इसलिए 2/3 इसमें भी -1, कोफिशियंट जो कॉमन इंटेजर्स है उससे भी गुना दोनों में करेंगे तो -2/3 आपका ऑप्शन, -2/3 बी आपका सही ऑप्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यह एक्सरसाइज अपने समाप्ति की ओर रैपिडली मोशन से अग्रसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, 3/2, 2/2 गुना 2/3 - 3 बराबर वाट। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और इसका रेसिप्रोकल्स पावर नोटेशन माइनस में है, पॉजिटिव करने के लिए 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 9 में 4 गया 5, 5 × 3/2, 3/2, 3/2, 3 × 27 = 5, 27 × 5 = 135/8। ऑप्शन नंबर डी हमारा एक्यूरेट होगा। देखिए कितना इजी प्रोसेस है और कितना हम लोग इजी तरीके से इसको अपडेट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। ये मिडिल ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स 1/3 पर पावर सिंबल्स -3, 1/2 पर पावर -3, फिर मिडिल ब्रैकेट से बंद कीजिए, डिवाइडेड 1/4 पर पावर -3 बराबर वाट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस मिडिल ब्रैकेट्स का काम कीजिए। कहने का मतलब यह टर्म सेपरेट है, यह भी टर्म सेपरेट है, इसलिए बोर्ड मास के आधार पर पहले हम लोग डिवाइडेशन की प्रक्रिया कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करें, इसका पॉजिटिव पावर नोटेशन जो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/3, इसका हो जाएगा 2/3। डिवाइडेशन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। ये हो गया आपका 3 × 29 = 27, 2 × 4 = 8, डिवाइडेशन 64। 27 × 8 = 19, 19 × 28 = 19/64 जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आपका अप टू डेट। 1/3 / -3 इसका रेसिप्रोकल, 1/2 / -3 रेसिप्रोकल, इसको सॉल्व किए 19 हुआ, इसका रेसिप्रोकल 4/3 हुआ, 64 हुआ, डिवाइडेशन मतलब क्या ऑब्लिक बाय 19/64। इस प्रकार से हम लोग 14 नंबर भी कंप्लीट किए। 15 नंबर फिर वही है हिसाब, सारा हिसाब तो उसी प्रकार से, लेकिन फिर भी 15 नंबर देखिए, 1/5 / 3 और b
डिवाइडेड माइनस एक बटा पांच पर पावर आठ बराबर वाट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये डिवाइडेशन में अगर बेस बराबर होता है तो पावर को माइनस कर देते हैं। दोनों का बेस आपका सेम है, माइनस एक बटा पांच पर पावर तीन घटा आठ, एक बटा पांच पर पावर माइनस पांच। पावर नोटेशन माइनस में आ रहा है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लिखना होगा, तो माइनस पांच पर पावर, माइनस पांच पर पावर पांच, ये ओड नंबर पावर है तो जो भी आंसर होगा निगेटिव ही होगा। तो पांच को पांच बार गुना कीजिए, पांच गुना पांच गुना पांच गुना पांच, पचवे पच्चीस पंचे सवा सौ, पचे छह सौ पच्चीस गुना पांच, पचवे पच्चीस के पांच, पांच दुनी दस दो बारह, इकतीस सौ पच्चीस आपका आंसर होगा, इकतीस सौ पच्चीस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सत्रह, सोलह ऐसा ही है, सत्रह देखिए, दो बटा तीन पर पावर दो, तो दो दूनी के चार बटा नौ, चूंकि पावर इवन में है इसलिए जो आंसर होगा वो पॉजिटिव क्वेश्चन नंबर में आएगा। पावर निगेटिव, पावर उड़ रहता तो आंसर आपका निगेटिव में ही आता। उसके बाद देखिए अठारह नंबर का क्वेश्चन, एक बटा दो पर पावर तीन, पावर हमारा क्या बोर्ड में है तो आंसर हमारा क्या होगा, निगेटिव में ही होगा, माइनस एक बटा आठ। पावर इवन रहेगा तो आंसर पॉजिटिव, पावर निगेटिव रहेगा तो आंसर निगेटिव होगा, पावर ओड होगा आंसर निगेटिव होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या, पांच बटा तीन पर पावर माइनस पांच गुना पांच बटा तीन पर पावर माइनस ग्यारह बराबर पांच बटा तीन पर पावर एट एक्स। डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए मल्टीप्लिकेशन में बेस बराबर होता है तो पावर को हम एड कर देते हैं, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो पांच बटा तीन पर पावर माइनस पांच अजोड़ माइनस ग्यारह बराबर पांच बटा तीन पर पावर एट एक्स। पांच बटा तीन पर पावर माइनस सोलह, पांच बटा तीन पर पावर एट एक्स, बेस को रिमूव कीजिए, आठ एक्स बराबर माइनस सोलह, एक्स बराबर माइनस सोलह बटा आठ, आठ दूनी के सोलह। डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए कि दोनों का बेस बराबर था, ये प्रोडक्ट है, तो मल्टीप्लीकेशन में जब बेस बराबर होता है तो पावर को एड कर दिया, इधर तो पहले से पांच बटा तीन पर पावर आठ एक्स है, दोनों बेस सेम हुआ, बेस बेस को रिमूव कर दिए, माइनस 16 बराबर 8x, क्योंकि बराबर क्वांटिटी को रिमूव करने के बाद या गुना करने के बाद जोड़ने पर घटाने पर उसके स्टैंडर्ड वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन दो तो और है, 20 और 21, क्वेश्चन नंबर 20 और 21, 20 और 21 में क्या कह रहा है वह देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है माइनस आठ पर पावर माइनस वन में किस संख्या से गुना करें कि हमारा प्रोडक्ट दस पर पावर माइनस वन है। माइनस आठ पर पावर माइनस वन में किस संख्या से गुना करें कि प्रोडक्ट हमारा दस पर पावर माइनस वन, लेट बी दैट नंबर इज एक्स, मान लिए कि हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम प्रोसेस में चलें, इसका रेसिप्रोकल एक बटा माइनस आठ गुना एक्स, इसका रेसिप्रोकल एक बटा दस, एक्स बटा माइनस आठ एक बटा दस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दस एक्स बराबर आठ एक्स बराबर माइनस आठ बटा दस, चार दूनी आठ पांच दूनी दस, आंसर आपका हुआ माइनस चार बटा पांच। लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट है, 21 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, 21 दूसरा 15। डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है के गुना 10 पर पावर एन, कहने का मतलब एक डेसिमल के बाद, एक डिजिट के बाद ही डेसिमल देते हैं और रिमाइंडर को जो रिमेनिंग डिजिट बच जाता है, जितना रिमेनिंग डिजिट बचता है पावर बेस 10 पर
उतना हम लोग पावर रोटेशंस करते हैं। जैसे नंबर एक 21.56 × 10⁵, 2 अंक के बाद डेसिमल है या आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी 215 × 6⁴, 215 × 0.6 × 10⁴, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है जो स्टैंडर्ड फॉर्म का अगेंस्ट में है, यह भी आपका नहीं है। सी नंबर ऑप्शन में है 3 × 1.56 × 10⁵, आपका है 6। देखिए तो डेसिमल एक डिजिट के बाद है जो इससे टैली करता है, यह डेसिमल फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5C कंप्लीट कर चुके हैं। आपका होमवर्क रहा आज के ऑनलाइन क्लासेस में एक्सरसाइज 5C का 1 से लेकर 21 तक अप टू डेट करना है, फेयर कॉपी इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और जब आपसे डिमांडेशन किया जाएगा तो आपको विद्यालय में देना होगा, इसलिए इसे ऑन करने के बाद अप टू डेट जरूर करेंगे। परेशानी होगा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, उसको मैं पुनः सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।